तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काइन मास्टर के अनसपोर्टेड रेजोल्यूशन वाली प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप काइन मास्टर में वीडियो एडिट करने के लिए किसी वीडियो को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो वीडियो इंपोर्ट नहीं होती है। तो जैसा कि अभी मैं आपको एक वीडियो इंपोर्ट करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही अभी हमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो यहां पे एक मैसेज आ गया है अनसपोर्टेड रेजोल्यूशन का। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि सभी जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो इतने रेजोल्यूशन तक की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन की वीडियो को उस ऐप से एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अनसपोर्टेड रेजोल्यूशन का नोटिफिकेशन दिखा देता है कि ये ऐप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। और ये लिमिट सभी ऐप्स के लिए अलग अलग होती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको वीडियो का रेजोल्यूशन कम करना होगा। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन है री डाउनलोड, यानी कि आपको उस वीडियो को दोबारा से डाउनलोड करना होगा। तो आपने जहां से भी उस वीडियो को डाउनलोड किया था आपको दोबारा से वहीं पे जाना है। तो जैसा कि अभी मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूं, तो जहां पे आपको वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है उसी के आसपास आपको क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको वहां से वीडियो की क्वालिटी फुल HD सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और इस फुल HD वीडियो को आप बिना किसी प्रॉब्लम के काइन मास्टर से एडिट कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है वीडियो कंप्रेसिंग का, यानी कि आपको उस वीडियो को कंप्रेस कर लेना है जो आपके पास करंटली वीडियो है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं यहाँ से आपको सर्च बार पे क्लिक करके वीडियो कंप्रेसर सर्च कर लेना है और उसके बाद आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन एप्लीकेशन दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप को मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये ऐप यूज़ करने में बिल्कुल इजी है और ये वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से कंप्रेस कर देती है। तो अभी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहां से सिंपली इसे ओपन कर लेता हूं। उसके बाद आपसे ये ऐप परमिशन मांगेगा आपकी फ़ोटोज़ एंड मीडिया के लिए। तो यहाँ से आपको एलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने वीडियोज़ के फोल्डर्स आ जाएंगे जो भी आपके स्मार्टफोन में वीडियोस हैं। और उसके बाद आपको यहां से फोल्डर ओपन करना है जिस भी फोल्डर में आपकी वीडियो है। तो जैसा कि अभी मैं ये फोल्डर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे भी आप एडिट करना चाहते हैं, यानी कि कंप्रेस करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको कंप्रेस वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है जिस भी रेजोल्यूशन में आप वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से आपको रेकमेंड करूँगा 1080p रेजोल्यूशन, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी ज़्यादा कम नहीं होगी और आप वीडियो को काइन मास्टर में एडिट भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपकी वीडियो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि अभी मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है और मैं आपको वही वीडियो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ काइन मास्टर में जो अभी हमने कंप्रेस की है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो कंप्रेसर ऐप का फोल्डर है। मैं अभी इसे ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो को सिलेक्ट करते ही ये आसानी से काइन मास्टर में इंपोर्ट हो गई और इसे अब हम एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स इस अनसपोर्टेड रेजोल्यूशन वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अपने काइन मास्टर में।
तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपकी वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।